हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून के न्यू फर्स्ट मेरिट के एडमिशन्स जो है प्रोसेस चल रही है। एडमिशन्स पूरी तरह से ऑफलाइन हो रहे हैं, तो इस तरीके से जो है आपको एडमिशन्स जो है कॉलेज में जाके फिजिकली जो है खुद जाके आपको अपने एडमिशन्स वहाँ पर जाके कराने हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से ले जाने हैं, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि जिनके बारे में इस वीडियो में मैं आपको जो है बात करने वाला हूँ। और जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन्स करा लिया है, उनको अभी फ़ीस सबमिट करने का रजिस्ट्रेशन जो है फ़ीस जो है सबमिशंस का जो है मैसेज नहीं आया है, तो अभी वेट कीजिए, अभी टाइम है फीस सबमिट करने के लिए, ठीक है। वो मैसेज आ जाएगा। किस तरीके से आपको वो मैसेज नहीं आया, तो किस तरीके से आप चेक करेंगे कि आपका एडमिशन जो है अप्रूव हो चुका है या नहीं हो चुका, उसके भी मैं उस पे ऊपर भी जो है अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, ये रैगिंग का जो सर्टिफिकेट है, इसका परफॉर्मा जो है कॉलेज की साइट पे आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में भी इसका जो है लिंक दिया है, क्योंकि बहुत बार जो है कॉलेज की साइट में नहीं चल रही है तो आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, तो इसका लिंक दे दे रहा हूँ मैं। तो वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट करके देखिए, इस फॉर्म को आपको फिल करना है। ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे देखिए, ये गाइज यहाँ पे आपके सिग्नेचर्स होने हैं, पेरेंट के नाम आना है, एड्रेस आना है, यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड नंबर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ की आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी भी जो है पासपोर्ट साइज़, यहाँ पे ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना है। ये जो है फॉर्म आपको, ये भी आपको कॉलेज में सबमिट करना है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है गाइज, अंडरटेकिंग फॉर द सबमिशंस ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सेशन 2000। तो जिनके पास में देखिए, जिनके पास में जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है गाइज, ओरिजिनल जिनके पास में नहीं है, तो वो ये फॉर्म को जो है उनको भरना है। इसका आप प्रिंट आउट निकाल के इस फॉर्म को भी आपको कॉलेज में जमा करना है। तो यहाँ पर आपका नाम आएगा, फादर नेम आएगा, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पे आपको जो जिस कोर्सेज में आपने एडमिशन्स लिया है, बीए में लिया तो उसको टिक कर देना, बीएससी में लिया तो उसको टिक, और बीकॉम में लिया तो उसको टिक कर देना है, ठीक है। और इसमें पूरा लिखा है, देखिए, आई अंडरस्टैंड एंड कंसर्न डैट इन केस आई फेल टू सबमिट ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, माई प्रोविजनल एडमिशन्स कैन बी कैंसिल बाय द। तो यहाँ पे गाइज आपको एक टाइम दिया जाएगा, 15 दिन का या 1 महीने का, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट जमा करने का। अगर उस टाइम के दौरान आप जो है ये जो सर्टिफिकेट है जमा नहीं करते हैं, तो इसमें साफ साफ लिखा है आपका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपके नाम और सिग्नेचर आएंगे गाइज, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपने ऑनलाइन जो है मेरिट फॉर्म भरा था वो वाला, और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये अंडरटेकिंग फॉर द सबमिशंस ऑफ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, जिनके पास में ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट अभी है नहीं, तो वो इस फॉर्म को प्रिंट आउट करके इसका फिल करके भी इसको भी जमा कर देंगे। तो कॉलेज की साइट फिलहाल अभी चल नहीं रही है, पिछले जो है 2 दिन से, कल सुबह से ही कॉलेज की साइट चल नहीं रही है, तो इसलिए जो है मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। उसमें देखिए आपको क्या करना है गाइज, जो आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो जो आपको कॉलेज में सबमिट करना है, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी और ओरिजिनल तो आपको ले जाने हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि वेरीफाइड होंगे तो ओरिजिनल तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, एक सेट आपको फोटो कॉपी भी ले जाना है। तो उसमें आपका जो ट्वेल्थ टेंथ की जो है ओरिजिनल मार्कशीट हो गया, ट्वेल्थ की जो है ओरिजिनल मार्कशीट हो गया, आपका सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा जो मेरिट फॉर्म आपने ऑनलाइन भरा था वो भी आपको ले जाना है, और उसका जो फ़ी रिसिप्ट, जो 30 रुपये की फ़ीस जमा की थी उसका फ़ी रिसिप्ट भी आपको ले जाना है, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको ले जाना है गाइज, और इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट आपको तो ले जाना है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी भी बता दिया है। माइग्रेशंस अगर आपके पास में है, नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन हो सकता है माइग्रेशन भी आपसे मांग ले, तो आपको साथ में वो रखना है, और 4 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी आपको ले जानी है, ठीक है गाइज, और आधार कार्ड है या पैन कार्ड जो भी आपका है, एक आइडेंटिटी कार्ड भी आपको ले जाना है साथ में, ठीक है। और इन सभी की एक सेट सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी भी आपको बना के रखना है प्रॉपर, वो आपका कॉलेज में जमा होगा। तो मेरिट फॉर्म जो मेन है आपका मेरिट फॉर्म, वो तो आपको किसी भी हाल में ले जाना है, उसके बिना आपका एडमिशन्स नहीं होगा,
ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं गाइस। इसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपका जो वेटेज सर्टिफिकेट है, जैसे आपने एनसीसी एनएसएस या कुछ और लगा रखा होगा स्पोर्ट्स का, तो वो भी आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगा रखे हैं वो सारे के सारे आपको ले जाने हैं कॉलेज में। एडमिशन्स पूरी तरह से ऑफलाइन हो रहे हैं, तो ऑफलाइन आपका एडमिशन्स आराम से हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे हेल्प ले सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कॉलेज में भी जो है स्टूडेंट्स यूनियन जो है पूरी तरह से मदद कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, न्यू एडमिशंस वाले स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो कोई दिक्कत आती है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं।